हे गाइस, हेरा रमेश पांडे, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि कितना मैंने गूगल एड्स पे खर्च किया है फॉर क्लिक बैंक या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। एंड गाइस, इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे तो कितने सारे आपको बैरियर्स आएंगे आपके सामने, हर्डल्स आएंगे, एंड कितना बजट आपको चाहिए एक पेड एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सो गाइस, देखना इस वीडियो को आखिर तक। आई होप इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एंड आपको भी पता चल जाएगा कि गूगल एड्स आपको स्टार्ट करना है तो कितने बजट के साथ स्टार्ट करना है या फिर क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड, कम एंड अप। सो गाइस, हमारा गूगल एड अकाउंट है जो ओपन होने जा रहा है। एंड इस अकाउंट को जैसे ही ओपन मैं करता हूं, मैं उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कितना मैंने अभी तक स्पेंड किया है ऑन एड्स। यस गाइस, गूगल एड्स। एंड ये मेरा मेन अकाउंट है जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है। इसके बाद कई और अकाउंट है जिसमें मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया है, किसी में 5,000, किसी में 3,000, किसी में 4,000। एंड मैंने अलग अलग अकाउंट्स बनाए और वो किस रीज़न से बनाए वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो पहले इस अकाउंट को जैसे ही ये ओपन हो गया, मैं इसके बाद आपको पहले ये दिखा दूँ कि मैंने कितना खर्च किया है इस वाले अकाउंट पे। तो ये ओवरव्यू अभी खुल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, कॉस्ट इज 83.9K, मतलब गाइस 83,000 मैंने अभी तक खर्च किया है ऑन जस्ट गूगल एड्स। यस गाइस, तो अगर आपको लगता है कि आप आज ही एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करोगे एंड कल से आप $1,000 पर डे कमा लोगे, डेट्स इम्पॉसिबल। मैंने ऑलरेडी इतना खर्च किया है ऑन एड्स, तब जाके मैं अभी इस लेवल पे हूँ जिसमें मैं $1,000 एक दिन में कमा लेता हूँ। बस पर डे नहीं गाइस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर डे कमाता हूँ, क्योंकि कई लोग कमेंट में कहते हैं कि $1,000 बहुत होता है, हाउ कैन यू अर्न पर डे। गाइस, गलत कह रहे हो तुम। तो क्या ऐसा नहीं होता है, कई एफिलिएट्स हैं ऑलरेडी कमा रहे हैं पर डे भी। मैं तो वीक में एक दो तीन दिन कमाता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा $3,000 या $4,000 तक मैं पहुँच पाता हूँ एक हफ्ते में। बट कई एफिलिएट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, एक दिन में $40,000 कमाता है। रोवी ब्लेंचर्ड जिसका नाम है, जॉन क्रिस्टानी, तो लोग कमाते हैं इतना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कमा नहीं सकते, बट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 83.9K मैंने खर्च किया है एंड मेरे इंप्रेशन 128K इंप्रेशन आए हैं, क्लिक्स आए हैं 184K क्लिक्स, मतलब 1,000 से ज़्यादा क्लिक्स आए हैं। एंड CPC मेरा 45 rupees CPC रहा है। तो गाइस, इतना मैंने ऑलरेडी स्पेंड किया है। अब मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कोई भी पेड एड्स, तो गाइस जितना मैंने ये इस पे खर्च किया है 83,000, ये मैंने अपने पेरेंट्स से रुपए लेके नहीं खर्च किया है, ना ही मैंने किसी से लोन लेके, ना ही किसी से उधार लेके, ये मैंने खुद की अर्निंग से खर्च किया है। यस गाइस, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम फ्री मेथड्स, जैसे कि इंस्टाग्राम मेथड जो कि मैं सिखाता हूँ, जिससे ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स अर्निंग भी करने लगे हैं। एंड जो मैंने अपने कोर्स में भी बताया है, इंस्टाग्राम वेबिनार मेथड्स, पिंट्रेस्ट हो गया और फेसबुक ग्रुप्स हो गए और ट्विटर हो गया, तो ये कई अलग अलग मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके मैंने अर्निंग की स्टार्टिंग में। देन गाइस, मैंने फेसबुक एड स्टार्ट किया, उसके ऊपर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा एंड होपफुली उसमें भी आपको बताऊंगा कितना मैंने खर्च किया है। एंड फेसबुक एड्स के बाद मैंने बिंग एड्स ट्राई किया एंड बिंग एड्स में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्टार्टिंग में मुझे खर्च करना पड़ा, देन मैं अर्निंग कर पाया। एंड देन गाइस, गूगल एड्स। तो बेसिकली क्या होता है गाइस, कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपके पास कोई भी मेंटोर नहीं है, आप किसी की अंडर ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा गाइस, आपको भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था, मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मैं डायरेक्टली अपने हिट एंड ट्राई करता था, मैं खुद ही ट्राई करता था, डू और डाई वाला सिस्टम था, करो या मरो। तो मैं खुद ही अपने पैसे जो मैंने अर्निंग की थी उसको लगाता था और सीखता था। तो अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, तो एक मेंटोर रखिए। आप कोई भी एक पर्सनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मेरा या फिर किसी का भी, या फिर गाइस प्लीज़ ऐसे अंधेपन से पैसे लगाना मत चालू कर देना, वरना काफ़ी अच्छा खासा लॉस होगा आपको। तो प्लीज़ स्टार्टिंग में फ्री मेथड्स का ही यूज़ करें, जो गुरु या फिर जो भी यूट्यूबर आपको कहते हैं कि मैं $1,000 कमा रहा हूँ, $2,000 और मेरा 299 का कोर्स है, आप परचेज कर लो, या फिर कुछ भी ऐसे फेक वादे करते हैं, तो प्लीज़ उनमें मत फंसना, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो मैंने भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया है, तब मैं इस स्टेज पे हूँ। बट फिर भी आप होप मत छोड़ना, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सही तरीके से करोगे तो जल्दी आप भी इतना अर्न कर पाओगे। एंड मुझे 1.5 साल हो गया है, तो 1.5 साल एक अच्छा वक्त, इतना ज़्यादा भी वक्त नहीं है अगर आपको इतनी अच्छी अर्निंग करनी है। तो आज मैं हर महीने इतना ज़्यादा अर्न कर पा रहा हूँ, एक लॉकडाउन में भी घर पे बैठ के, मैं पहले भी घर पे बैठता था खैर, बट लॉकडाउन में तो और अच्छा हो गया, तो कहीं जाने का कोई बहाना भी नहीं है। तो अब गाइस
अगर लॉकडाउन में आप इतना कर सकते हो तो सोचो रेगुलर डेज में हम कितना अर्निंग कर सकते हैं। सो एफिलिएट मार्केटिंग की कोई लिमिट नहीं है एंड आपकी भी कोई लिमिट नहीं है। तो गाइस अपनी लिमिट्स को पहचानिए, स्टार्ट करिए आज से ही, बनाइए क्लिकबैंक पे अकाउंट। क्लिकबैंक पे नहीं बन रहा है तो Digistore24 पे बनाइए, उस पर नहीं बन रहा है तो JVZoo पे बनाइए, बट हार मत मानिए। एंड सारे स्टेप्स मेरे देखिए, फ्री मेथड्स देखिए, पेड मेथड्स देखिए, कुछ भी देखिए गाइस, बस ट्राई करते जाइए। डू और डाई वाला सिस्टम आप कर सकते हो जब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। तो आप फ्री मेथड्स कैसे भी हो, कितने भी हो, ट्राई करते जाना, होपफुली आपकी भी जल्दी सेल होगी। सो गाइस मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ किसी मेंटरशिप में ही आके इतना पेड एड पे खर्च करना, वरना काफ़ी अच्छा खासा लॉस होगा। तो इसमें मैंने क्या है, गूगल एड्स में 83K मैंने खर्च किए हैं, बट मैंने अर्निंग भी काफ़ी अच्छी की है। मैंने 1-1.5 लाख के लमसम मैंने इससे अर्न किया है। सो मैं अभी प्रॉफिट में हूँ, बट स्टार्टिंग में मैं लॉस में था गाइस। जब मेरी सेल्स आने चालू हुई तब मैं प्रॉफिट में आया। तो स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आप पेड एड सीखने के लिए सीख सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि 1,000 रुपये या 2,000 में आपकी सेल आ जाएगी, इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल भी है तो कुछ उन लोगों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, या भगवान की कृपा एकदम से डायरेक्ट ऊपर से उनके ऊपर गिर रही है, तो हो सकता है 1,000 में उनकी सेल आ जाए। बट एक बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। रेगुलरली अगर कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसके लिए काफ़ी अच्छा खासा बजट चाहिए। सो कई लोगों का ये दिल तोड़ देगा वीडियो, मैं जानता हूँ, मेरा भी टूटा था जब मुझे पता चला है कि इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट एक होप भी मेरे अंदर थी कि मैं फ्री मेथड से भी कमा सकता हूँ, या फिर मैं और भी मेथड ट्राई कर सकता हूँ जिससे जल्दी सेल आए। इट्स लाइक बिंग एड्स, इससे काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, बट सेल्स इससे ज़्यादा आती हैं। तो कंपेयर आप अभी से इतना लालच में मत जाएं कि किससे ज़्यादा सेल आती है उसी को मैं करूं। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि किससे जल्दी सेल आए, किससे जल्दी अर्निंग कर सकें, ताकि इन्वेस्ट कर सकें। आपको सीधे उठा के फरारी नहीं खरीद लेनी है, क्योंकि एक बंदा मेरे में कमेंट कर रहा था कि बुलेट दिखा रहे हो, i10 दिखा रहे हो, फरारी दिखाओ या फिर ऑडी दिखाओ। तो भाई ऑडी इतनी जल्दी आप एकदम से अर्न करके सीधा ऑडी में नहीं लगा दोगे, पहले आपको खुद का अपना बिजनेस ग्रो करना पड़ेगा, खुद आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पड़ेगा अपनी एड्स में, तभी आप ग्रो कर पाओगे, वरना आप वहीं पे स्टॉप हो जाओगे। सो होपफुली आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इस टाइप की वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूँ। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है अगर आप कोई भी पेड एड्स करना चाहते हो। एंड जितने भी लोग आपसे आपसे कहते हैं कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट में आप अर्निंग कर सकते हो, वो झूठ बोलते हैं। सो आई होप आप समझ गए होगे। एंड आप जब भी स्टार्ट करोगे, फ्री मेथड से स्टार्ट करोगे, एंड अंधों की तरह पेड मेथड्स में नहीं घुसोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।